हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम कोन का वॉल्यूम निकाल चुके हैं, आज हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कल जब हमने एक सर्कल बनाया था तो हमने इसके एक रेडियस से दो पार्ट्स कर लिए थे, जिसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर घुमाते हुए हमने कोन बनाया था। तो हम देख रहे थे इसका एक्स्ट्रा पार्ट भी आता है, उसकी हम कटिंग कर सकते हैं, जिससे ये दो हिस्सों में बट गया इस तरीके से। ये मैंने इसके दो हिस्से कर लिए, अब मैं इससे दो कोन बना सकती हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो पार्ट मेरे को मिला है ये लाइन, ये इसकी स्लांट हाइट है एल, और ये इस पार्ट को जब हम घुमाते हैं ऐसे तो ये क्या बन जाता है, इसकी बेस हमने पता की थी हमने, ये पूरा सर्कल बनती है हमारे पास। और इसी सर्कल की हम रेडियस को कंसिडर करते हैं आगे, और ये जो है ये वाली चीज इसकी तिरछी ऊंचाई एल है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मैंने इसकी इस एंगल पे यहाँ रखकर और इसको मैंने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। देखिए यहाँ एक छोटे छोटे इक्वल कट्स आप लगाएंगे यहाँ पे, जितना भी आप इसको छोटे कट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हमने इनको काट लेना है। ये जो हमारे पास आए हैं बेटा, इनको आप अब इस तरीके से अरेंज करेंगे, एक पार्ट ऐसे जैसे हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते थे, इस तरीके से हम वन बाय वन अरेंज करेंगे। देखिए एक पार्ट ऐसे बेटा और एक पार्ट इस तरीके से, इस तरीके से हमने इनको सारे पार्ट्स को अरेंज कर लेना है, जैसे हम एरिया ऑफ सर्कल निकालते थे ऐसे ही सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ फॉलो करना है। तो हम क्या देखते हैं, ये एक क्या बन गया, एक ये रेक्टेंगल की शेप ले ली है इसने, है ना। और ये जो बाउंड्री मैंने इसकी फिक्स करी थी, जो कि सर्कल की बाउंड्री थी, ये वाली बाउंड्री थी ना, और जब हम इसका कोन बनाते हैं तो ये सर्कल में बदल जाता है, तो ये इसकी क्या बन गई है, सर्कमफ्रेंस 2πr। ये 2πr बेटा पूरा है, ये ऐसे पूरा था, अब ये क्या हुआ, आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, आप देख रहे हैं ये आधा इधर आ गया है इसका, और आधा पार्ट ऊपर है आधा पार्ट नीचे है। इसका मतलब अगर टोटल 2πr था तो इस पूरे की लेंथ कितनी बन गई, πr। और ये चीज हमने अभी देखी थी, ये चीज क्या है, ये वाली चीज जो इधर आ रही है वो एल है ना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पे क्या बन गया, वो 2πr टोटल था इसका, ये टोटल, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, है ना। तो 2πr का आधा πr इधर रह गया, πr इधर रह गया। अब इसका जब हम एरिया निकालेंगे, ये चीज इसकी एल थी, ये एल इधर आ गई ना ऐसे, देखिए ये सेम ये एल है ना इसकी। अब इस आयत का क्षेत्रफल क्या बन गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट मीन्स पाई आर इंटू एल, एंड दैट इज इक्वल टू पाई आर एल, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। सो दिस इज द टोटल ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और इसी के साथ अगर हम जब टोटल निकालते हैं, आपको पता ही है कंसेप्ट, के नीचे की बेस का भी एरिया हम ऐड कर लेते हैं, और वो हमें पहले से ही पता है पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि ये एक सर्कल है। तो इसका जब टीएस से आपसे पूछा जाएगा तो इसी सीएसए में आप नीचे के बेस का एरिया ऐड कर देते हैं पाई आर स्क्वायर, सो दैट बिकम पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर टीएसए। बेटा आई होप आपको समझ आ गया होंगे दोनों कॉन्सेप्ट, कि सीएसए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं और टीएसए कैसे निकालते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।